हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.6 लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर्स पर सेकेंड टू 3.5 मीटर्स पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। तो मतलब उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको पता है F क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो F कितना हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस U बाई T। सारी चीजें हमें दे रखी है, मास हमें कितना दे रखा है दोस्त, 3। V मुझे कितना दे रखा है, 3.5। U कितना दे रखा है, 2। और टाइम कितना दे रखा है, 25। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 25। बोलो हाँ या ना, राइट। यहां से सब आपका निकल जाएगा, राइट। इसको इसको हटा देंगे, ये 10 हो जाएगा, 5 थ्री जा 5 फाइव जा। सो आंसर कितना आ जाएगा, 9/50। 9/50 न्यूटन आ जाएगा मेरा फाइनली फोर्स। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये आपको एक्सेलरेट कर रहा है, राइट, 2 से 3। तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, 2 थी पहले और अब 3.5 हो गई। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। That was the answer to 4.6 question. I hope कि आपको समझ आया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो कर लीजिएगा।